बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को चुनावी धार देने के लिए पहुंचे। बूंदाबांदी के बीच जेपी नड्डा जोरावर स्टेडियम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। जेपी नड्डा ने चुनावी हुंकार भरी और आगामी चुनावों में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हिमाचल के तमाम नेता भी मौजूद रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने ईडी गठबंधन पर हमला बोला। कहा, ईडी गठबंधन का कोई न कोई नेता जमानत पर या कोई न कोई जेल में जाने वाला है। साथ ही उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी विपक्ष को घेरा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और तीसरे दिन एयर स्ट्राइक करके सारे कैंप ध्वस्त कर दिए। इस तरीके से पाकिस्तान में हमारे कई नेता यहाँ पर बोलते हैं, फ्लड आया, कोई कुछ नहीं मिला। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कांग्रेसी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके नेता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सबसे पहले तो मैं पूछता हूं कि जब ये त्रासदी आई, कोई कांग्रेस का देश का नेता आया था यहाँ पर? तो भैया आया था, उनकी बहन आई थी, वोट मांगने आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? जब मुसीबत आई तब नहीं आए। लेकिन मैं हम लोग परिवार बचाऊ, परिवार को बचाने के लिए अलायंस है। आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता है कि नहीं है? मुफ्ती साहब को महबूबा की चिंता थी कि नहीं थी? सुखबीर बादल की चिंता प्रकाश सिंह बादल जी को थी कि नहीं थी? मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव आए कि नहीं आए? अखिलेश के बाद डिंपल आई कि नहीं आई? चाचा को बगल बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया? लालू के बाद राबड़ी आई कि नहीं? राबड़ी के बाद मीसा आई कि नहीं? मीसा के बाद तेजस्वी आया कि नहीं? तेजस्वी के साथ तेज प्रताप आया कि नहीं आया? बाकी फुल स्टॉप। आप बताइए, बंगाल में बुआ को पीसी बोलते हैं और भतीजे को भाई को बोलते हैं। ये ममता बुआ और भतीजा अभिषेक, इसके बाद कोई टीएमसी में है क्या? आप बताइए, ये केसीआर केशव चंद्रशेखर राव, ये भारत राज्य समिति, पहले टीआरएस होती थी, इसका बेटा केटीआर, केटीआर के साथ बहन कविता, कविता के साथ दामाद, दामाद के बाद बेटा, उसके बाद पूछ लो, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं? वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में सीएम केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल जिन लोगों को भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, आज वो जेल में हैं। सुनिए, अब ये कहते हैं ईडी वाले क्यों बुलाते हैं? अरे जो लूट कर खा गए उनको ईडी वाले तो बुलाएंगे ही। स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं जिनको श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे। बांटते थे नहीं बांटते थे? वो उप मुख्यमंत्री कहां है दिल्ली के आजकल? जेल में। जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते सांसद को कहां है आजकल? वो जेल में। जो इनका स्वास्थ्य मंत्री था वो कहां है आजकल? जेल में। जिन नेताओं को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटे वो सारे आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है। वहीं इसके अलावा धर्मशाला के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से जेपी नड्डा ने गांव चलो अभियान का शुभारंभ भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने गांव की जनता के साथ भेंट की, एक बूथ की बैठक भी ली और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बातचीत भी की। बता दें, इस कार्यक्रम को राष्ट्र स्तर पर किसान मोर्चा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने गाय को गुड़ भी खिलाया और गाँव के लोगों द्वारा स्थानीय वस्तुओं का प्रारूप भी देखा। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट।